Assalamu alaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Kids Science Grade 5, Chapter Number 5, and the topic is Physical and Chemical Changes of Matter. Chapter Number 5, Physical and Chemical Changes of Matter. The very first topic which is discussed in this chapter is matter. Matter kya hai? Har wo cheez जिसका वजन है या जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्पेस को घेरा हुआ है, उसको हम मैटर करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैटर में कंसीडर की जाती हैं। अगर हम मैटर की डेफिनेशन की तरफ चलें तो एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। अब मैटर जो है वो हमें तीन स्टेट्स में हमें नज़र आता है, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड एंड नंबर थ्री इज़ गैस। फिर उसके बाद बात आती है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन तीनों को डिस्क्रिमिनेट करती हैं, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं, फिर कौन सी लिक्विड हैं, कौन सी गैस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वन बाय वन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो वो देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिज़िकल चेंजेस की बात करेंगे, फिज़िकल चेंज क्या है, फिज़िकल चेंज कैसे आती है, ये सारी चीज़ें फिज़िकल चेंज के टॉपिक में डिस्कस हो जाएंगी। प्रोसेसेस कौन से हैं, स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस कैसे आती हैं, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू आती हैं, किस तरह से एक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाती है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो वो एवेपोरेशन की करेंगे, बॉइलिंग की करेंगे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंजेस हैं, कॉन्डेंसेशन हो गई। फिर बात अगर लिक्विड्स की करें तो डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, कौन सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, किस तरह से डिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोल्यूट जो है वो शो कर रहा है, और हम इस डिजॉल्विंग प्रोसेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन से मैकेनिज़म्स हैं, लाइक स्टीयरिंग करते हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, साइज ऑफ सोल्यूट पर आ जाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि सोल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होते हैं, वीक सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। फिर वो केमिकल चेंजेस जो हमारी एवरीडे लाइफ में रोल प्ले कर रही हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।